देखिए बिहार में सत्ता परिवर्तित हो चुकी है, एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार बनी है और इसी के साथ आरजेडी फिर से सत्ता में वापस लौट गई है। और जिस राबड़ी आवास पर पहले हलचल नहीं हुआ करती थी, उसके बाद राबड़ी आवास पर देखिए हलचल तेज हो गई है। लगातार यहाँ जो है फरियादी पहुँच रहे हैं अपनी अपनी फरियाद को लेकर, अपनी समस्या को लेकर, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे ये कहा जाए कि जो आम जनमानस है बिहार के, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं अपनी समस्या को लेकर। और जो डिप्टी सीएम बने हैं तेजस्वी यादव, उनसे मुलाकात करने, अपनी समस्या को उनके सामने रखने लगातार ये जो लोग हैं वो आप यहाँ तेजस्वी यादव से मिलने राबड़ी आवास पर पहुँच रहे हैं। और राबड़ी आवास पर हलचल लगातार जो है वो बढ़ गई है जब से सत्ता परिवर्तित हुई है। और इसी कड़ी में यहाँ पर तमाम जो बिहार के इंजीनियर हैं वो पहुंचे हुए हैं, जो स्वतंत्र इंजीनियर हैं, जो स्टेट पास अभ्यर्थी हैं, वो यहाँ भी पहुंचे हुए हैं। और इसी कड़ी में देखिए अभी तेज प्रताप यादव जो बिहार के वन पर्यावरण मंत्री हैं, वो उनका निकलना हुआ राबड़ी आवास से, तो ये तमाम जो यहाँ पे लोग खड़े थे तेजस्वी यादव से मिलने के लिए, वो तेज प्रताप यादव की गाड़ी को घेर लेते हैं। कुछ लोगों का के द्वारा उनसे मिलने का प्रयास किया जाता है और नारेबाजी भी होती है, अपनी आवाज़ को बुलंद करने की प्रयास किया जाता है। तो पहले देखिए वो दृश्य जब तेज प्रताप यादव राबड़ी आवास से निकलते हैं और ये तमाम लोग उनसे मिलने के लिए उनकी गाड़ी को घेरने का प्रयास करते हैं। तो आपने देखा कि ये तमाम लोग जो हैं उनसे मिलने का प्रयास कर रहे थे, और जो तेजस्वी यादव के अंगरक्षक हैं उनका प्रयास था कि ये तमाम लोगों को वहां से हटाया जाए। हालांकि क्या मुलाकात हुई है, यहां पे कुछ लोग हैं जो उनसे मिलने का प्रयास कर रहे थे, उनसे अगर मुलाकात होती है तो मैं पूछ के बताता हूँ कि क्या मुलाकात हुई है। दरअसल जो मैं देख पा रहा था वो बातें मैं आपको बताता हूँ कि तेजस्वी यादव से मिलने के लिए जो लोग पहुँचे थे वहाँ, तो माफ़ कीजिएगा, तेज प्रताप यादव की गाड़ी थी और उनसे मिलने के लिए जो उनकी गाड़ी का ये लोग घेराव कर रहे थे, तो उनसे मिलने का समय दिया गया है। तेज प्रताप यादव ने भी कहा है कि शाम में आइए, शाम में मिलते हैं, आपकी समस्या को सुनते हैं। और उसके पहले तेजस्वी यादव जो बिहार के डिप्टी सीएम है अभी, उन्होंने भी मिलने का वक्त दिया है शाम में। तो जब मिलने के बाद क्या कुछ बातें निकल कर आती है, और जो ये स्वतंत्र अभियंता हैं, जो स्टेट पास अभ्यर्थी हैं, जो सातवें चरण की बहाली को लेकर लगातार कई दिनों से डटे हुए हैं गजनीबाग धरना स्थल पे, और अब तेजस्वी यादव से मिलने के लिए पहुंचे हैं इस राबड़ी आवास पे, तो क्या कुछ बातें होती है निकलकर सामने आती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको ये बता रहा था कि तेज प्रताप यादव की गाड़ी इसी आवास से बाहर निकली और ये तमाम जो लोग थे, आम जनमानस हैं बिहार के, वो यहाँ पर उनका गाड़ी का घेराव करते हैं, उनसे मिलने के लिए पहुँचते हैं। और उनसे मिलने के प्रयास के बाद तेज प्रताप यादव उनको मिलने का समय भी देते हैं। क्या कुछ अपडेट होता है यही मैं आपको साझा करता रहूंगा। मैं था बिजीत आनंद, फर्स्ट बिहार।